वाराणसी को घाटों का नगर कहा जाता है, परंतु क्या यह घाट केवल पौराणिक और प्राचीन ही होंगे? इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का समय आ चुका है और अब वाराणसी में अत्याधुनिक घाट के भी ऊपर का सुपर घाट जनता को मिलने वाला है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के नमो घाट के द्वितीय चरण की विशेष जानकारी देने वाले हैं। बताएंगे कि क्यों है यह घाट इतना महत्वपूर्ण, जानेंगे नमो घाट की लागत एवं विशेषताएं, तथा इस खिड़किया घाट की ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही आपको हम इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि काशी विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर है, भगवान शिव की प्रियतम नगरी है, और इस नगर को घाटों का नगर, मंदिरों का नगर, गलियों का नगर आदि भी कहा जाता है। इसी नगर में माँ गंगा उत्तर वाहिनी हुई, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, महाभारत महाकाव्य का आरंभ भी काशी से ही हुआ तथा अनेक ग्रंथ एवं रचनाओं को भी इसी काशी में लिखा गया। और अब आधुनिक युग की गाथा भला कैसे ना लिखी जाए। तो लीजिए, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी को अत्याधुनिक घाट की सौगात तो पिछले ही वर्ष मिल चुकी थी, परंतु अब सुपर घाट मिलने वाला है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं, और दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए जो अंतिम घाट है उसका नाम है आदि केशव घाट, परंतु वाराणसी नगर वासियों के लिए राजघाट ही अंतिम घाट के रूप में उपस्थित था, क्योंकि राजघाट के पश्चात आदि केशव घाट तक पहले कच्चा हुआ करता था, जिसका बड़ा भाग खिड़किया घाट पर पड़ता था, और यह भी कच्चा हुआ करता था, जिसको कि रीडेवलप्ड करके अत्याधुनिक घाट के रूप में काशी वासियों को पिछले ही वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करके सौंपा था। आपको हम पहले ड्रोन व्यू प्रदर्शित करते हुए बता दें कि इस खिड़किया घाट का नाम परिवर्तित करके नमो घाट कर दिया गया था, और इस नमो घाट पर नमस्ते के स्वरूप के 3 स्कल्पचर भी स्थापित किए गए हैं, जो इस घाट के पहचान तथा घाट ही नहीं अपितु काशी का पहचान भी बन चुके हैं। परंतु विकास का क्रम यहीं थमने वाला नहीं, क्योंकि इस नमो घाट परियोजना का जो द्वितीय चरण है वह और भी भव्य है, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो कि घाट पर होने का कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और इसीलिए हम इस द्वितीय चरण के अंतर्गत बनने वाले घाट को सुपर घाट की संज्ञा दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट के द्वितीय चरण का कार्य तीव्र गति से संचालित है। इसमें नमो घाट से आदि केशव घाट तक का पुनर्विकास कार्य हो रहा है। यह भी बता दें कि इस नमो घाट परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाना है, जिसमें से इस समय द्वितीय चरण पर निर्माण कार्य संचालित है। आपको समझने में सरलता हो इसलिए हम नंबर संख्या में बताएं, तो आप देख सकते हैं यह प्रथम चरण है जो लगभग 250 मीटर में विकसित हो चुका है। वर्तमान का द्वितीय चरण लगभग 650 मीटर का है। इसके पश्चात तीसरा चरण लगभग 400 मीटर का होगा। आपको हम ग्राउंड जीरो से निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दर्शाते हुए आपको यहाँ पर बनने वाली सुविधाओं की भी सभी जानकारी देते हैं। बता दें कि यहाँ पर वॉकवे, योगा स्थल, वाटर स्पोर्ट्स, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, कैफेटेरिया के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी होंगी। यहाँ मल्टी यूटिलिटी एरिया बन रहा है, जहाँ पर चॉपर अर्थात हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। यहाँ पर 75 फीट का नमस्ते का स्कल्पचर लगेगा, जो फेज 1 में लगे नमस्ते स्कल्पचर से काफी ऊंचा होगा। घाट के किनारे हरियाली तथा मिट्टी का कटान ना हो इसके लिए पौधारोपण होगा। श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के लिए अन्य घाटों के प्रकार से पक्का घाट बनेगा, जहां पर सीढ़ियों के साथ ही रैंप भी बनाया जाएगा, जिसमें बाथिंग कुंड भी होगा। इसमें वृद्ध व दिव्यांग जन भी गंगा स्नान सरलता से कर सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि नमो घाट के द्वितीय चरण के निर्माण में 18 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा 630 वर्ग मीटर का लगभग 2.5 मीटर गहरा विसर्जन कुंड भी बन रहा है, जिसमें लोग पूजन सामग्री, माला फूल, मूर्ति आदि विसर्जन कर सकेंगे।
आपको जो यह बड़ी सी गोल आकृति दिख रही है, इसके बारे में बता दें कि यह दो हेलीपोर्ट है जो 140x60 मीटर के आकार का है और इसका मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इसका उपयोग हेलीपैड के रूप में किया जा सकता है और अन्य आयोजन में भी। सबसे महत्वपूर्ण है कि द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म अर्थात हेलीपैड का कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट के पुनर्विकास का कार्य तीव्र गति से संचालित है। इसमें नमो घाट से आदि केशव घाट तक पुनर्विकास का कार्य हो रहा है। गंगा में गंदगी ना फेंकी जाए, इसके लिए फेज 2 में विसर्जन कुंड का निर्माण व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपर्पज स्थल का भी निर्माण हो रहा है, जहां हेलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण, अब इस घाट के सबसे बड़े व प्रमुख आकर्षण की बात करें तो बता दें कि वो है वाराणसी के नमो घाट पर नमस्ते के आकार के 3 स्कल्पचर। बड़ी संख्या में लोग इस घाट पर यहाँ सेल्फी लेते भी दिखाई देते हैं। यह स्कल्पचर सूर्य का अभिवादन तथा माँ गंगा को प्रणाम करता हुआ है, जो इस घाट को हिंदुत्व से जोड़कर समग्र विश्व में सनातन आस्था व संस्कृति को बढ़ावा देगा। जानकारी हेतु बता दें कि यहाँ पर नमस्ते के आकार के 3 स्कल्पचर के अतिरिक्त चौथा स्कल्पचर भी आ गया है, जिसे शीघ्र ही इस द्वितीय चरण पर स्थापित कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो नमस्ते आकार का 3 स्कल्पचर स्थापित किया गया है, उनमें से 2 की ऊंचाई 25-25 फीट की है, जबकि एक थोड़ा कम 15 फीट ऊंचा है। चौथा स्कल्पचर जो स्थापित होगा, उसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट की होगी। वर्तमान में 3 स्कल्पचर जो स्थापित हुए हैं, वो मोल्डेड एलॉय धातु से बने हैं, जबकि चौथा जो स्थापित होगा स्कल्पचर, उसे कॉपर से बनाया गया है। आपको हम इस पूरे परिक्षेत्र की ड्रोन व्यू दिखाते हुए बता दें कि दशाश्वमेध व 80 घाट के पश्चात विकास का केंद्र खिड़किया घाट है। वहीं लागत की जानकारी देने के लिए हम आपको बता दें कि इस नमो घाट के द्वितीय चरण की लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। इस नमो घाट पर नमस्ते प्रणाम मुद्रा का प्रतीक ही आकर्षण का केंद्र नहीं है, अपितु फ्लोटिंग CNG स्टेशन, फ्लोटिंग JT, ओपन एयर थिएटर, फूड कोर्ट व पार्किंग आदि भी है, तथा इन अनेक सुविधाओं के चलते पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका अनुभव आप इस वीडियो में भी कर सकते हैं। पहले चरण के पश्चात अब द्वितीय चरण में भी नमो घाट को आकर्षक और पर्यटकों के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है, तथा सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ एक और नगर के मुख्य घाट जैसे कि दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि पर पर्यटकों को पहुँचने में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर इस खिड़किया घाट अर्थात नमो घाट पर आप अपनी कार अथवा दो पहिए से ही सरलता से सीधे नीचे तक अर्थात घाट तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि समय व धन की बचत होगी तथा इस इको टूरिज्म से पर्यावरण को भी लाभ होगा। संक्षिप्त जानकारी हेतु बता दें कि भविष्य में काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास होने के पश्चात इंटर मॉडल स्टेशन काशी के रूप में उपलब्ध होगा, तथा इस इंटर मॉडल काशी रेलवे स्टेशन से नमो घाट को भी जोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आदि केशव घाट पर वरुणा नदी के समागम स्थल पर वरुणा कॉरिडोर को लाने के साथ ही ई रिक्शा कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको नमो घाट की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।